नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल कहानी घर घर के में। तो दोस्तों, आज हम आपके साथ ये बात शेयर करना चाहते थे कि जैसे कि हमारे लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा कि हम लोग थोड़ा सा परेशान थे इस चीज को लेकर कि हमारे व्यूज कम हो गए हैं। तो आप लोगों को ये बताते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है कि वो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई है और हमारे व्यूज पहले की तरह अपडेट हो गए हैं। दोस्तों, वो एक्चुअली शायद आगे से उनका कोई एरर आ गया होगा तो उसकी वजह से हो गया था। हम तो घबरा गए थे दोस्तों, क्योंकि हमारे लिए तो आप समझ सकते हैं एक व्यूज भी बहुत है। हाँ दोस्तों, अभी हमारा एक नेक्स्ट व्लॉग आने वाला है, उसको आप जरूर देखिएगा। आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है और बहुत ही मजा आने वाला है दोस्तों। बस तो दोस्तों, आप आज सोच रहे हैं कि आज हम कहीं बाहर नहीं गए हैं, बस आप लोगों के साथ फिर से हम दोनों सामने आ गए हैं। तो दोस्तों, इसका रीजन ये था कि हम बहुत टाइम से चाह रहे थे कि आपके साथ थोड़ा सा इंटरेक्शन करें, और हम एक बात आपसे काफी टाइम से करते हैं कि डाइट के बारे में। तो हम आज आपसे थोड़ा सा डिस्कस करना चाहते थे डाइट के बारे में। एक्चुअली क्या है कि हम लोग अपने डेली रूटीन में हम हाउसवाइफ इतना बिजी हो जाते हैं, सबका ध्यान रखते रखते हम अपना ध्यान नहीं रखना भूल जाते हैं। तो आज हम आपसे थोड़ा सा अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस जो हमारी लाइफ की है, जो कि ज्योति ने फेस की है, मैंने फेस की है, और इन्होंने उस चीज को बहुत अच्छे तरीके से अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है, तो ये थोड़ा सा हमारे साथ शेयर करेंगे। आप बताइए कि कैसे आपने। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपको जैसा कि लास्ट व्लॉग आपने हमारा देखा होगा है, तो मैंने कहा दीपा को कि कुछ ना हमें हेल्थी टिप्स भी देने चाहिए। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत नॉलेज है, बट मैं वो चीज़ आपके साथ शेयर करूंगी जो मैंने फेस करी है। मैंने फेस ये प्रॉब्लम्स करी हैं, जैसे आप वेट गेन, जब मेरी शादी हुई थी तो मेरा 52 kg वेट था, और उसके बाद मेरे बच्चे हुए तो मेरा एकदम से गेन हुआ, 62 हो गया था जब मेरा बेटा हुआ। उसके बाद मेरी बेटी हुई तो मेरा हो चुका था 88 वेट। तो आप लगा सकते हैं कि 88 वेट कितना ज़्यादा होता है। ना ही कोई कपड़ा अच्छा लगता है, ना ही हमारा साइकिल सही से आ पाता है। मैंने इतने डॉक्टर को दिखाया कि जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। दोस्तों, अगर आपको PCOD की कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, वो आप अपने किचन में से ही आप उसको ठीक कर सकते हो। मैंने खुद को ठीक किया है, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ लेके आई, क्योंकि डेली हम आपको अपना डेली व्लॉग दिखाते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये भी बताऊं। कई लेडीज मेरे चैनल को देखती हैं तो वो समझेंगी, तो मैं यही आप लोगों को बताना चाहूंगी कि दोस्तों, अगर हमें अपना हेल्दी जीवन जीना है, क्योंकि आज के टाइम पे जब से कोरोना आया है दीपा, तो कितनी तबीयत खराब रहने लगी है लोगों को, जरा जरा चीजों में। आप देख रहे हैं अभी हार्ट अटैक से कितने लोग, मतलब चलो हम जो नॉर्मल हैं वो तो हम कुछ भी खा लेते हैं, जो सेलिब्रिटी हैं वो तो ऐसा कुछ नहीं खाते, तो भी उनको हार्ट अटैक आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आजकल जो हमारा खान पान है वो सभी, अभी भी मैं इतनी पतली नहीं हूँ, बट मैं ये कहूंगी कि मैं बहुत हेल्दी हूँ। आप इनकी पहले की पिक्चर देखेंगे जो हम आपको शेयर करेंगे, चक्का अपने इस ब्लॉग में जरूर शेयर करूंगी। तो आप देखिएगा कि इन्होंने वाकई में उस चीज पे मेहनत की है, काम किया है, जिसका रिजल्ट आज इन्होंने पाया है। तो ऐसा हम बस अपने साथ के अपने फ्रेंड्स को, अपनी बहनों को ये कहना चाहेंगे कि वो आज अपने अपना ध्यान जरूर रखें, क्योंकि हम शुरू से फ्रॉम द हमें ये ज़्यादा ज़रूरी है कि पूरे 24 घंटे में से हर लेडीज़ को एक घंटा जरूर अपने लिए निकालना चाहिए। मैं तो निकालती हूँ, मैं तो दीपा को भी फोर्स करती हूँ कि तुम भी निकालो। ये पार्क डेली जाती है, डेली वॉक करती है, मैं डेली वर्कआउट करती हूँ, चाहे मैं जिम जाऊँ चाहे मैं योगा जाऊँ, लेकिन मैंने अपने 2 साल के इस लाइफ में, मतलब जब दो साल पूरे हो चुके हैं मेरे को जिम और योगा करते हुए, मैं क्या करती हूँ कि जैसे 6-8 महीने जिम कर लिया तो 2 महीने योगा कर लिया। उससे क्या है, हमारी बॉडी जो है स्टेबल बनी रहती है। खान पान का मुझे पता लग गया कि किसको खाने से मेरा वेट बढ़ता है। दोस्तों, मैं आपको सच बोल रही हूँ कि मैंने जब से अपना वेट कम किया है ना, मैंने अपने शरीर में इतने चेंजेस खुद पाए हैं कि मैं बहुत खुश हूँ। डाइट का मतलब डाइट ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं खाना, डाइट का मतलब ये नहीं है कि आपने मतलब अपनी कुछ मत खाओ, अपने मन को मार के कोई चीज खानी ही नहीं है, ऐसा नहीं है। वो हम अच्छी अच्छा और टेस्ट वाला खाना भी हम उसको एक रूटीन के साथ या फिर देखिए दोस्तों, हम हैं हिंदू धर्म से, कल्चर से बिलोंग करते हैं, हमारे हर महीने कोई ना कोई ऐसा फेस्टिवल होता है जिसमें हमारी कढ़ाई चढ़ती है, पूरी बनती है, पकौड़े बनते हैं। हमारा खाना भी ऐसा होता है कि जैसे कभी हमारे बच्चे कहते थे कढ़ी बनाओ, कभी राजमा बनाओ। तो दोस्तों, मैं बस यही आपको कहना चाहूँगी कि मैं आपको ये भी बता दूंगी कि मैं पूरे दिन में पूरे रूटीन में क्या लेती हूँ, अपनी डाइट में कितना पानी पीना चाहिए, क्या हमें खाना चाहिए, क्या हमें नहीं खाना चाहिए। और मैं दोस्तों यही कहूँगी कि लेडीज़ को या जेंट्स हो, जो भी हो, अब बच्चों को भी दोस्तों, गर्ल्स को, बेसिकली गर्ल्स को, जो आजकल की लड़कियां होती हैं उनको PCOD
10-11 साल की एज में ही हो रहा है दीपा। मैं अपनी जिम जाती हूँ, मैं देखती हूँ कि 12-12 साल की बच्चे जिम करने आ रहे हैं। बताओ, हम तो तब भी, चलो हमारे 2 बच्चे हो गए, हम अब जा रहे हैं वर्कआउट करने। 12 साल की एज तो खेलने की होती है, बच्चे वो खेल के ना अपना जा रहे हैं जिम। और क्यों? ऐसा जरूरी नहीं है कि सब लोग जिम जाके ही मतलब कुछ भी, आप अपना डाइट फॉलो कीजिए बेसिकली। दोस्तों मैं आपको ये भी कहूंगी कि अगर आप अपने घर में 10 मिनट बैठ के रामदेव जी का योगा भी करेंगे ना, तो भी आप फिट रहेंगे। डाइट सबसे मेन है, 80% हमारी डाइट होती है, 20% हमारा वर्कआउट होता है। वर्कआउट में आप वॉक कर लो, जिम कर लो, योगा कर लो। अगर आपको कुछ भी नहीं करना है तो 10 मिनट आप NDTV में आता है ना वो योगा आता है, वो आप योगा भी, हमने तो दो जो लॉकडाउन में हमने तो टीवी में देख के योगा करा। और ऐसा नहीं है ना कि डाइट फॉलो करने से या योगा करने से आपके सिर्फ हेल्थ में फर्क पड़ता है, इससे आपका ना मेंटली जो आजकल डिप्रेशन में लोग बहुत ज्यादा रहते हैं, बहुत लोग डिप्रेशन में आजकल, तो डिप्रेशन मतलब ये एक सबसे बड़ी समस्या डिप्रेशन हो गई है, क्योंकि डिप्रेशन की वजह से ही डिजीज स्टार्ट भी होती है। डिजीज की शुरुआत ही डिप्रेशन से होती है, क्योंकि जो इंसान अंदर से खुश नहीं है ना, तो उसको बीमारियां अपने आप ही घेर लेती हैं, तो इससे आपका डिप्रेशन भी दूर होता है। और लेडीज में तो ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन होती है, घर का काम करते हुए अपने पर ध्यान नहीं देते हुए वो डिप्रेशन आता है, हमारे साथ भी होता है। लेकिन दोस्तों मैं जो आपको डाइट शेयर करूंगी ना, मैं पूरे दिन की आपको एक दिन अपनी डाइट भेजूंगी, आप देखिएगा उस ब्लॉग को अगर सकती हूँ, थोड़ा बहुत जो मैंने आपको बताया मुझे नॉलेज है। दोस्तों ये कोई नॉलेज नहीं है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मैं आज जो आपके आगे बता रही हूँ ना, ये कोई लिखी हुई बातें नहीं है, कुछ नहीं है, जो मेरे साथ हुआ है मैंने वो बताया है कि मैंने अपना वेट, अभी मैं आपको अपना वेट भी बता देती हूँ। मेरा वेट एक्चुअल में 88 था जब मैं 2020 में 5 मार्च को मैंने जिम ज्वाइन किया था, और आज 22 है, तो आज मेरा वेट 72 है। तो ये मैंने ना कोई मैंने सप्लीमेंट लिया है, ना मैंने कुछ लिया है, मैंने सिर्फ डाइट और अपना डेली का रूटीन नहीं छोड़ा, और ना मैं आगे छोड़ूंगी। क्यों? क्योंकि अगर हम हेल्दी रहेंगे तभी तो अपने बच्चों का, अपने परिवार का ध्यान रखेंगे दोस्तों, और आप स्वस्थ रहोगे तो हम स्वस्थ रहेंगे और पूरा घर स्वस्थ रहेगा। तो दोस्तों ऐसा है कि हमारी तरह भी कुछ लेडीज ऐसी होंगी जो इस तरह की डाइट फॉलो करती होंगी, या उनका रूटीन उन्होंने कुछ इस तरह से मेंटेन करके रखा होगा। तो अगर ऐसे कुछ हमारी सिस्टर्स हैं, हमें प्लीज कमेंट बॉक्स में हमारे साथ अपनी जरूर बताइएगा, और मैं आपको जर्नी को, हाँ मैं आपको अपना पूरा जो भी मैं खाती हूँ उसमें कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि भाई कुछ स्पेशल बन रहा है। मेरा सुबह का नाश्ता, मॉर्निंग ड्रिंक से लेके नाइट तक का जो भी मैं लेती हूँ, पूरा ब्लॉग एक दिन मैं आपको लेके आऊँगी, और उसमें आप देखिएगा, आपको पसंद आएगा तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, नहीं पसंद आएगा तो भी बताइएगा, कुछ गलती हुई होगी दोस्तों तो भी बताना दोस्तों ऐसा। हाँ, और बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम आप लोगों को कुछ बता रहे हैं या ऐसा कुछ, इवन हमें सीखने को भी मिलेगा, हम भी तो सीख रहे हैं, हम खुद कई चीजें सीख गए, कई चीजें हम भी फिट नहीं है, कोई भी परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता, हम भी परफेक्ट नहीं है, तो हम भी सीख रहे हैं, हम लाइफ में खुश रहना सीख रहे हैं, और हम चाहते हैं आप भी खुश रहें, खुशियां बांटें, और अपने को कहीं ना कहीं बिजी रखें, एंगेज रखें, जिससे कि आप लाइफ को एक दूसरे तरीके से जिए और खुशी रहें। दोस्तों खुश रहने के लिए ना पैसे की जरूरत नहीं होती, खुश रहने के लिए स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, तो ही खुश रहोगे। स्वस्थ ही नहीं रहोगे, आए दिन आपको बुखार, सर दर्द, कभी कुछ कभी कुछ, लेडीज के तो आपको पता ही है, मुझे मेरे साथ कभी ये हो रहा कभी हो रहा। लेकिन दोस्तों मैं सच बता रही हूँ, जब से मैंने अपना खाना चेंज किया है, अपनी डाइट चेंज करी है, टचवुड मैं अभी तक ठीक हूँ। देखो नॉर्मल फीवर तो सभी को आ जाता है, मुझे भी आता है, बस दोस्तों मैं हर आपको व्लॉग में बताती हूँ ना, मेरा गला जो है ना दोस्तों, वो पता नहीं क्यों बैठ जाता है। बिल्कुल, अब इसके लिए आप में से किसी ने कुछ ऐसा आपको कोई नुस्खा आता हो या पता हो तो मुझे तो इनके साथ शेयर कीजिए, हमारे साथ शेयर कीजिए, तो हम भी उसको फॉलो करेंगे, क्योंकि हम आपसे सीख रहे हैं, आप हमसे कुछ सीखेंगे, हम तो क्या कौन होते हैं सिखाने वाले, लेकिन आप हमसे, हम आपसे जुड़ना चाहते हैं, जैसे कि आप लोग हमें कुछ सिखाएं, कुछ बताएं लाइफ में क्या नया क्या। तो इसी के साथ दोस्तों, तो अगर हमारा ब्लॉग आपको पसंद आता है दोस्तों, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, क्योंकि अभी हमें आपके सपोर्ट की भी बहुत जरूरत है। तो इसी के साथ हम आप आज का अपना ये ब्लॉग का यही खत्म करते हैं दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों, नमस्कार, और अगले ब्लॉग में आपको एक नई हेल्दी टिप्स के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।